फाइनल जजमेंट है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ही देनी है। सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करना चाहिए, हमको अच्छा नहीं लगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिसेंटली ये कहा था कि 99% इंडियंस होमोसेक्सुअलिटी के अगेंस्ट है, बट इज इट एक्चुअली ट्रू? ऑन टुडेज एपिसोड ऑफ स्ट्रीट व्यू हम यही जानने आए हैं। आपको क्या लगता है, सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज होनी चाहिए इंडिया में? मुझे लगता है मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन इज द राइट विच एवरी कपल इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सेक्सुअलिटी इज एंटाइटल्ड टू। सर्वोच्च न्यायालय के हर एक निर्णय का सम्मान करना चाहिए। रही बात आपकी पर्सनल चीज़ों पे, तो एक ही चीज़ कहूँगा कि सड़क चौड़ी हो, बात को समझिएगा, सड़क चौड़ी हो और ट्रैफिक ना हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्पीड गाड़ी चलाएँ, एक्सीडेंट भी हो सकता है। आई थिंक सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करना चाहिए एंड इट शुड गो बियॉन्ड जस्ट सेम सेक्स, इट शुड बी मैरी हूएवर यू वांट टू मैरी। एक्चुअली लड़की और लड़की शादी करें आपस में, लड़का लड़का आपस में शादी करें, हम तो राजी नहीं इस बात में, हमको अच्छा नहीं लगा। जो रूल बनाया भगवान ने भी बनाया वही होना चाहिए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट लीगलाइजिंग सेम सेक्स मैरिज, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोसेसेस एंड थिंग्स व्हिच आर ऑलरेडी इंबाइब्ड एंड लाइक etched onto society and culture that needs to change here before anything like that happens. I'm not sure why people have a problem with same-sex marriage, but I think if somebody's conventional way of thinking is old-fashioned, you can't change it. So I think people who have a problem can stay shut. लेकिन अभी mentally देश में वो माहौल नहीं है कि same-sex marriage को allow किया जाए, उसके बहुत सारे repercussions भी हैं। I oppose homosexuality. मैं पुराने ख्यालों वाला हूँ, मैंने आज तक ये देखा नहीं है। आई थिंक सेम सेक्स मैरिज के पीछे इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि सेम सेक्स मैरिज कम्स विद अ बंडल ऑफ राइट्स, राइट्स लाइक मैं किसके साथ रह सकता हूँ, किसको मेडिकल इंश्योरेंस दे सकता हूँ। सेम सेक्स मैरिज से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है और किसी को होनी नहीं चाहिए, जिसको जो करना करे। एंड आई थिंक इट्स ऑल्सो द क्वेश्चन ऑफ कास्ट, बिकॉज मैरिज इज एट द बेस ऑफ कास्ट, राइट, कास्ट एंडोगमी। So when we talk about same-sex marriage, that is redoing and reshuffling the caste hierarchy on which the Indian society is stratified on. मैं तो same-sex marriage को oppose करता हूँ obviously, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे कोई फायदा नहीं है। अगर maybe उनकी शादी हो भी जाती है उसके बाद भी fruitful नहीं है ना ये। Same-sex relationship is like in major cities, it's okay, but in like cities like Bihar, UP, Jharkhand, Rajasthan, it's not like their tradition is like a bit different. लेकिन प्रकृति के खिलाफ है, नेचर के खिलाफ है और सामाजिक ताना बाने के खिलाफ है, तो इन चीज़ों को नुकसान नहीं पहुँचे, कोई ऐसी स्वच्छंद व्यवस्था नहीं बन जाए जहाँ कि फिर देश जो है पश्चिमी रास्ते पे जाने लगे, अच्छा बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर अब जो मतलब कि फाइनल जजमेंट है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ही देनी है, बट मेरे हिसाब से जहाँ जिसका मन है, क्योंकि हम मानव अधिकार है, जो जिसने जो करना वो कर सकता है, फ्री है, हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं हम।